चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। पिछले एपिसोड में हमने माइकल की थोड़ी सी दुविधा देखी, सॉरी माइकल नहीं, फ्रैंकलिन की देखी। उसको ट्रेवर को मारने का आदेश मिला और अभी डेव को कॉल आ रही है माइकल को। तो बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था हमने डेव को बचाया था, तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई, अब बताओ अब क्या है। We can pin most of it on Agent Sanchez. So basically Agent Sanchez मर गया था, इसी की बात कर रहे हैं ये। अरे बोल रहा है कि भैया प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ट्रेवर से डील करने की जरूरत है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया ट्रेवर क्यों। तो डेव बोल रहा है कि भैया उसने चाइनीज गैंगस्टर जो है मैरी वेदर उनसे पंगा लिया है और भी बहुत सारी चीजें करी हैं और वो अनकंट्रोलेबल हैं, तो इसमें उसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहा है भैया उसको काम करो ड्राइवर को, यही हमारी दिक्कत है। SFIB से हमारा पूरा एकदम सुलट चुका है, लेकिन इनकी जो दिक्कतें जो ये बोल रहे हैं ड्राइवर वाली, वो काफ़ी जायज़ हैं। तो फिलहाल हम टैक्सी का यूज़ करते हैं, हमने टैक्सी को अभी रोका, आपने देखा ही होगा। सो अब चलते हैं। तो गाइस अगर आपको याद हो तो पिछली स्टोरी में हमें सोलोमन जो था वो प्रोड्यूसर, उसने हमें स्क्रीनिंग के लिए बुलाया है। तो हमें सूट पहनना है, ऑब्वियसली हमें सूट पहनना है बेसिकली, क्योंकि अब ऐसे कपड़ों में तो जाएंगे नहीं। हालांकि ये कपड़े बुरे नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ तगड़े कपड़े पहनेंगे। देखो डॉलर देखो, कीमत देखो भैया सूट की। तो हमने सूट टाई वाला ऐसा ही लग रहा है, टक्सीडो। तो फिलहाल हम इसको पहन लिया, अभी हमें जिमी से मिलना है और फिर चलना है अपनी प्रीमियर के लिए, जो कि स्टोरी है, मतलब स्टोरी में। अच्छा जिमी भारी है, ओ भाई साहब लेमोजीन है भाई ये तो। आखिरकार हम प्रोड्यूसर हैं तो हम अच्छी कार में ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ स्टोरी है, बातें हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ सिनेमैटिक सीन, हम चला नहीं रहे। देखा जिमी बहुत खुश है कि भैया मेरे पिता अब बन चुके हैं मूवी प्रोड्यूसर, मैं मूवी प्रोड्यूसर का किड हूँ, इसका मतलब अब क्या। ये बोल रहा है कि अब जो भी सेशन आएंगे मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे को काम भी आसानी से मिल जाएगा और मैं हीरो भी बन जाऊंगा, जैसे कि मूवी प्रोड्यूसर का बेटा बन जाता है और कोई मुझे जज भी नहीं करेगा, मतलब कि मैं एक स्टार किड हूँ। कहने का मतलब इसका यही था। और ये कह रहा है ना मैं मूवी प्रोड्यूसर बन जाऊंगा और मैं और भी घटिया मूवी बनाऊंगा और किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, ये बस एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसमें भी इतना फायदा ढूंढ रहा है ये। सही है, बहुत सही। ओहो तल्ली तल्ली और रखा भाई। तो फिलहाल गाइस हम जा रहे हैं प्रीमियर के लिए, वैसे तो पूरी फैमिली को ही ले जाना था, पता नहीं फैमिली है कहाँ हमारी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जिमी है। जिमी इस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि हम पीछे खड़े हुए नहीं रहेंगे, हम सच में इनवाइटेड हैं, हम मेन कारपोरेट पे, सॉरी कारपेट पे होंगे, जो रेड कारपेट होता है। वाओ, वैसे मैं भी खुश होऊंगा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो। तो डेविन का कॉल आ रहा है। Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. तो हम उसको सीधे कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं कि भैया देखो हम नहीं चाह रहे थे मॉली के साथ हो, हम काफी बुरा लग रहा है इसके लिए। तो डेविन बोल रहा है कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि भैया शांत हो जाओ, हल्के चलाओ, मत करो पंगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया देखो हमारी गलती नहीं थी इसमें, हमने ये नहीं चाहा था। तो ये बदला लेने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि तुम पछताओगे, हमने बोला सॉरी, अभी बोल रहा है कि भैया मुझे भी बुरा लग रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन डेविन नहीं मान रहा। तो हम बोल रहे हैं कि भैया बस काम हो जाओ और हम फ्रेंड्स बन सकते हैं दोबारा, लेकिन डेविन बोल रहा है कि नमस्ते, मतलब कि बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा और फिर नमस्ते। तो बेसिकली मैंने आपसे बोला था कि भैया डेविन जो है हमारा दुश्मन बन जाएगा इसके चलते। वैसे ही ड्राइवर के ऊपर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, फिलहाल हम आगे चलते हैं, डेविन से पंगा बाद में लेंगे। सीन तो काफी तगड़ा है। ओ यहाँ पे ये लैज़लो भी है, लैज़लो जोन्स।
We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. भाई जब ये माइकल से मिलेगा तब अच्छा सीन होगा। और ये बेसिकली इससे मन्नत कर रहा है कि भैया फेम और शेम के लिए सर कुछ दिखा दो, कुछ मतलब कुछ तो मेरे को काम दिलवा दो। मैं फेम मतलब सॉरी बता रहा था कि मैं फेम और शेम में काम करता हूँ, मेरे को थोड़ा काम दिलवा दो। अब उससे मजे लेके चला गया सोलोमन। यार लेस्ली उससे क्यों नहीं मिल रहा, माइकल से मिले ना मजा आएगा। Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean that was. See, ये इंटरव्यू में बोल रहा है कि तुमने अपने बच्चे को खा गए वगैरह वगैरह, और सिक्योरिटी ने भगा दिया इसको। कह रहे हम जा रहे हैं। Oh shit. यार कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। मुझे लगा कुछ तो होगा। मतलब जब सामने फेस टू फेस आएंगे ये दोनों। I'm not too late. I wouldn't. Oh, Devin, yahan pe kya kar raha hai? Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We Congratulations to kar raha hai, lekin mujhe kuch dal mein kala lag raha hai. Devin yahan pe aa gaya ekdam acche se. Abhi phone pe baat hui thi. Unlike your wife. तो ये कह रहा कि मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं, जो कि घर में फंसी हुई है। मतलब कि इसने कुछ तो करा है, तो हमें घर जाना पड़ेगा। कुछ तो कांड हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जिम है हमारे साथ, लेकिन हमारे घर वालों का नहीं पता। और ये कार, वो शिट, ये कार से जाएंगे गाइस। मिशन तो अपनी जगह, लेकिन ये कार अपनी जगह। बेसिकली जिमी को एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया ये प्रोड्यूसर, ये जो बिजनेसमैन है, सॉरी प्रोड्यूसर नहीं बिजनेसमैन, मेरे से नाराज है क्योंकि इसने जो कहा मैंने वो नहीं करा। मतलब कि मूवी जो है बंद नहीं रहने थी। तो हम बोल रहे हैं कि भैया उसकी सेक्रेटरी मर गई, और ये बोल रहा है कि तुमने उसकी सेक्रेटरी को मार दिया। तो हम माइकल बता रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं मारा, मर गई बस, वो एक्सीडेंट था। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया वो कोई गैंगस्टर नहीं है, बस वो कुछ ज़्यादा ही रिच है। अब रिच है तो पावर भी है, बात तो सही है। भाई यहाँ पे गेट अभी हिला, और कार्स बहुत सारी हैं। ओ भाई, तो बेसिकली अभी माइकल बोल रहा है कि भैया तुम छुप जाओ, ठीक है? मतलब जिमी को बोला ना छुपने के लिए। तो वाइफ से बदतमीजी कर रहा था और हमने बचा लिया, तो ठीक है, हमारी बेटी भी तो बचती है अभी। किधर है, किधर है, किधर है? ओ भाई रुक, अभी गया। मतलब लिटरली हमारे घर में घुस गया यार, ये तो बहुत ही गलत है। मेकअप देखो अमांडा का, अमांडा। तो ये बोल रहा है कि भैया मेरी चिंता मत करो, बताता हूँ सालों को। तो इसमें लिखा है क्लियर द हाउस ऑफ मैरी वेदर, मतलब जो आया था मिशन का नाम नीचे लिखा था अभी। यह मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब मैरी वेदर के बंदे हैं क्या? डेविन ने नहीं भेजे, पर डेविन तो कह रहा था कि हमारे, मतलब उसी ने हिंट दिया था शायद, हो सकता है डेविन इसके पीछे हो, उसने मैरी वेदर से अटैक करवाया हो। अरे बच गया यार। बारिश हो गई है गाइस, मौसम। और ये भाई मुझे लगा मर गए, बचे हैं बचे, अभी और बचे। टीम देख रहे हो कितना खतरनाक है, एक बंदा और आ रहा है अभी।
वो चका रही है पूरी। भाई और बंदे आ रहे हैं, पता नहीं कितने बंदे भेजे हैं। मर जा सालो। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से मर ही गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा एक जिंदा था भाई, एक तो पता नहीं चलता यार कि कब बंदा उठ जाता है। अरे भाई ये भी यकीन नहीं होता। तो अभी हम बुला रहे हैं कि भैया किधर हो तुम। एक सेकंड, एक बंदा और आ गया। और अब तो अपने पास कुछ है भी नहीं। ये क्या था? एक सेकंड, ये जिमी आई गेस। ये क्या कर रहा है ये? ये क्या कर रहा है? और ये माइकल के ऊपर कर रहा है। तो ये जिमी बोल रहा है कि मुझे लगा कि मैंने जिस बंदे को मारा मैं उसके ऊपर था और ये बहुत अजीब हरकत कर रहा था। तो अपनी फैमिली को दिलासा देके बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो। तो मिशन फिलहाल पास हो चुका है, मेल्टडाउन है मिशन का नाम, मतलब था क्योंकि हो चुका। तो फिलहाल हम लॉस एंटोस डेल पेरो पता नहीं कौन सी जगह में थे। तो आई गेस ये लेस्टर से बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि भैया मतलब अपनी दिक्कत के बारे में समझा रहा है और बोल रहा है कि रेवन वेस्टर्न एक दिक्कत है और मैं अपनी फैमिली को कई दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बेसिकली अलग बाहर भेज चुका हूँ ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन लेस्टर अभी यूनियन डिपॉजिटरी के बारे में बोल रहा है कि बिल्कुल सही वक्त है, सब कुछ सही है। ओके, तो स्ट्रिप जॉइंट पे बोल रहा है, मतलब स्ट्रिप जॉइंट बोल रहा है वहाँ पे मिलो, वही ट्रेवर का घर जहाँ पे। तो हम बेसिकली फाइनली यूनियन डिपॉजिटरी की चोरी करने वाले हैं। ये एपिसोड खतरनाक होने वाला है गाइस। तो फिलहाल जगह ज्यादा दूर है नहीं, शॉर्टकट से चलते हैं। एक सेकंड, कॉल आ रही है। अच्छा ये इसकी फिर से कॉल आ गई इन्वेडर वाले की। याद ही होगा गाइस आपको, इसी ने हमें प्रोटोटाइप के पास पहुंचाया था। अभी फिर से वही बोल रहा है कि भैया अगर काम हो तो बता दो। तो बोल रहा है कि उन पर जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, प्लीज काम दो। तो हम बोले कि भैया कुछ भी अगर होगा तो बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसकी स्किल्स बहुत ही कम है। जब भी हम मिशन करते हैं तो मैंने आपको बताया होगा गाइस, पहले भी अलग अलग बंदे चुनने की चॉइसेस होती हैं और इसकी स्किल्स काफ़ी कम है, तो इस वजह से हम इसको लेते नहीं और ना ही हम लेंगे। मरना थोड़ी है, मिशन थोड़ी फेल कराना है। अब यही बचा था बस, हो गई टक्कर, चलो कोई बात नहीं। अमांडा की कॉल आ रही है। तो ये बोल रही है कि भैया क्या तुमने उन बंदों को मतलब ढूंढा क्या जिन्होंने हमला करा था, वही मैरी वेदर वाले बंदे। तो ये बेसिकली दिलासा दिला रहा है कि भैया ट्रस्ट करो, मैं उन बंदों को ठिकाने लगा दूंगा, फिर हम सब सेव हो जाएंगे, हम पॉजिटिव हैं इस मामले में, टेंशन मत लो। तो ठीक है, क्योंकि फैमिली हमारे बाहर है घर से, इस बार वो छोड़ के नहीं गई है। फाइनली अच्छी बात है ना, छोड़ के नहीं गई। तो हम यूनियन डिपॉजिटरी की चोरी करने वाले, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। माय बॉय माइक, गुड टू सी यू। कह रहा माय बॉय माइक, गुड टू सी यू। और वेट मेरे ख्याल से लेफ्ट में होगा। हाँ मैं समझ ही गया था।
ये तब से यहीं पे पड़ा है, यकीन नहीं हो रहा। फिलहाल मिशन शुरू होने वाला है गाइस। Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you. अरे यार फिर से ड्रामे करने लगे गाइस। Thank you. भैया चोरी करनी है, ऐसे okay, नहीं होगी चोरी। This is it. तो ठीक है वो प्लान बता रहा है और दो ऑप्शन है हमारे पास गाइस। तो ये कह रहा है कि आर्मर्ड कार्स जो हैं क्रू को हम हॉस्टेज बना लेंगे और फिर डिपॉजिटरी में घुस जाएंगे, ये है पहला प्लान। मॉडर्ड कार्स लेंगे मतलब कि खतरनाक कार्स ताकि एस्केप करें, मतलब तगड़ी कारें होंगी, बुलेट बुलेट का असर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि भैया ऐसे जाएं जैसे कि हम उनको फील कराएं कि हम डम हैं, और लेकिन हम डम नहीं होंगे, हमारे पे एक तगड़ा प्लान होगा। और एक सेकेंड, माइकल डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले करेगा, उसमें ऐसा लगना चाहिए ना कि हम डम लोग हैं। तो ट्रैवल इसके पे जीत गया, कह रहा कि हाँ अटेंशन सीकर हमेशा यही बनता है। Recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. तो बेसिकली पहला ऑप्शन है जिसमें वो हमें गोल्ड खुद देंगे, और दूसरा ऑप्शन है जिसमें हम बैंक में छेद कर देंगे और खुद ही उठा के ले आएंगे। They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The chopper upper chahiye hoga getaway ke liye, I guess second mission mein chahiye hoga, second option mein. Chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. That's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Bhaiya train chahiye hogi taki गोल्ड को हम लैंड कर सके। If you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so. तो ये बोला कि लाइसेंस वाइसेंस चाहिए होगा अगर हम सटल तरीके से करें, सटल तरीके से आने की बिना पकड़े जाने वाली तरीके से, बहुत ही स्मार्ट वे से करें, क्योंकि वो आर्मर्ड व्हीकल हमें चुराना पड़ेगा। याद होगा गाइस आपने, हमने हेलीकॉप्टर से नजर रखी थी इन लोगों पे, एक सेकंड के लिए भी लेट होते हैं तो पता चल जाता है इनको। ये सामने हरी कलर की जो वैन दिख रही है वही है आर्मर्ड व्हीकल। You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that. तो बेसिकली प्लान कुछ ऐसा, मैं आपको बता दूं, मैं चुनने वाला हूं पहला वाला सटल तरीका। सटल तरीका ही सही लग रहा है यार मेरे को। कार वार भी है क्योंकि इसमें हमें कुछ खतरनाक सी कार मिलेंगी देखने को, क्योंकि वो मॉडर्न कार्स होंगी। तो इस मिशन में बेसिकली आपने देखा होगा, हमने अगर आपको याद हो तो हम एक ऐसी जगह पे गए थे टनल में जहां से कुछ दिख नहीं सकता, तो वहां पे हम इसको हाईजैक कर लेंगे प्रोबेबली, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमने पहला मिशन यूज करा, मतलब सॉरी पहला ऑप्शन। अब ये सबसे बड़ी चोरी है तो बेस्ट बंदे ही लेते हैं। हालांकि मैंने गनमैन में शेफ को ले लिया। He deserves a shot at the big one. माइकल बोला कि भैया हर चोरी में मैंने साथ दिया था, तो ये बड़ी चोरी में भी इसको ही लेना चाहिए। तो ठीक है, मैंने ज्यादा बहसबाजी नहीं करी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस हाई परसेंटेज वाले को ले लो जिनके पास बेस्ट स्किल्स हो, सिंपल। Okay, this one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Now, the hacker, तो हमने बेसिकली ये वाला बंदा काफी कम चुना है, और लेस्टर ने बोला कि भैया नया खून है ये, हमने इसको ड्राइव करते हुए देखा है, लेकिन ये नहीं पता कि अंडर प्रेशर एक ऐसा काम करेगा मतलब जिसका 8% कट है। और हैकर हमने अभी भी हाई चॉइस वाला लिया है, वो रिकी लाइफ इन्वेडर को नहीं लिया। ओके, तो ये बोल रहा है कि भैया बहुत बड़ी चोरी है, हम कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब कि हम सेकेंड ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। काफी कुछ ऑप्शंस हैं अभी भी, मतलब बोल रहा है फिर से देख लो एक बार। तो हमें गेट के कार्स की जरूरत पड़ेगी, वही मॉडर्न कार्स तगड़ी सी होंगी।
Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. So basically, hacker जो है वो control करेगा traffic को ताकि जब हम चुराते हुए जा रहे हो, time लगे हम बता सकते हैं कि time लग रहा था और हम चोरी करते हुए भी जाएंगे. तो अगर मान लो हमारे कोई पीछे पड़ा है, हमने red signal दिखा दिया तो वो रुक जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे. कुछ ऐसा ही कुछ. ठीक है, मैं समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा मिशन. बाकी जब मिशन होगा तभी बेस्ट वे में हमें समझ में आएगा. तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और अपना वेट. ठीक है भाई, मजे मारो, हम मिशन करेंगे. तो ट्रेसी की कॉल आ रही है. Daddy, okay? ये पूछ रही है क्या तुम ठीक हो. हम बोलेंगे भैया टेंशन में चलने की जरूरत नहीं है, आपको ना माइकल है. माइकल सबको ठोक देता है. तो बेसिकली आप देख सकते हो पूरी फैमिली कॉल करके पूछ रही है कैसे हो क्या नहीं हो. मगर मैं इतना जानता हूँ कि बस एक ही बंदा है जो कॉल नहीं करेगा और वो है जिमी, क्योंकि वो बहुत मतलबी दिखाया है. फिलहाल वेट करते हैं कि कोई मिशन आएगा अपना अगला, मतलब क्योंकि हमें आर्मर्ड व्हीकल वगैरह सब कुछ ही चाहिए, कार्स चाहिए और उसको हमें चुराना भी है, एक व्हीकल को हाईजैक करना है. हाँ वो तो चलो उसी टाइम होगा. देखो बन के आ गया है हमसे नया मिशन है. तो लेस्टर का मैसेज भी आया है, वही चुराने के लिए चीज़ें. एलएस मतलब लॉस एंटोस की पुलिस का कुछ व्हीकल चुराना पड़ेगा हमें. एक सेकेंड, ये मूविंग व्हीकल नहीं है, ये स्टेशनरी है, मतलब ये कहीं पार्क्ड है और हमें चुराना होगा. तो लिखा है स्टील द पुलिस वैन. ओके, सामने वैन है, वही होगी, ये तो कार है लेफ्ट में पार्क्ड. ओके, कार को सही से अलाइन करते हैं ताकि हम चढ़ सकें ऑब्वियसली. मैं निकलूंगा कैसे, और यहाँ पे एक पुलिस की आवाज आ रही है. ओके, पीछे मतलब उसकी कमर हमारी साइड पकड़ नहीं पाएगा. बात करने दो लौंडे को. जल्दी से निकल लेते हैं. अच्छा सीधे चल गई है, हमें तार वार भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ी. मतलब कि जैसे एक कार पार्क्ड है बाहर, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा शीशा वीशा. ये पहले से ही अनलॉक थी, किसी को पता भी नहीं चला. सीधे चौरा के लिए चलो. बहुत सही, तो हमें ट्रेवर के अड्डे पे रखनी होगी ये व्हीकल्स ऑब्वियसली. क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल लेस्टर ने गवर्नमेंट फैक्ट्री छोड़ दी थी, तो वहाँ पे कोई सेफ हाउस नहीं है रखने के लिए. लेकिन भाई साहब ट्रेवर के स्ट्रिप क्लब के स्ट्रिप क्लब ही है, देखो सामने आसपास जगह है. तो ठीक है, हमारा एक हमने चीज़ जो है वो चुरा ली. अब चुरा ली भाई. तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसने लेस्टर को कॉल नहीं लगाई अभी तक. अरे लगा दी, जब मैंने बोला तभी हो गया. Lester, I got the spike strips we need. तो इसने बता दिया लेस्टर को कि भैया काम हो चुका है. अरे भाई साहब कार मोड़ के चले गए, कोई और कार ढूंढते हैं. यही सही है, चलो यही लूट लेते. नहीं एक सेकंड, सामने लाल वाली डार्क रेड. oh, no! ये कार मस्त लग रही है. थोड़ा ड्रिफ्ट वगैरह मारते हैं. एक सेकंड, जिमी की कॉल आ गई. एक सेकंड, इसने कॉल नहीं लगाई हमें इसलिए कि हमारी चिंता कर रहा है. ये बेसिकली किसी मुश्किल में फंस गया. तो बेसिकली हमें अपनी मदद के लिए बुला रहा है कि भैया मैं मदद में हूँ, मतलब मदद कर दो मेरी, मेरे को कोई
पकड़ के ले गया। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली मैं अटेंशन पाना चाह रहा था उस बंदे की, लेकिन उन्होंने उठा लिया इसको। देखो अमेंडा की कॉल आई, ट्रेसी की कॉल आई पूछने के लिए कि तो क्या तुम ठीक हो वगैरह वगैरह, लेकिन जेमी भैया एज प्रेडिक्टेड घंटा काम नहीं आएंगे। और मैं क्या ही बोलूं, बेटा है ही नालायक। तो गाइस ध्यान रखना कि आप देख रहे हो आप नालायक ना निकलो, आप जेमी जैसे मत बनना। फिलहाल बचाने चलते हैं, अब हमें तो बचाना ही पड़ेगा, चॉइस भी नहीं है कोई। तो अगर कोई बाइक वाइक मिल जाए तो यार बाइक ले लूँ, जल्दी पहुँच पाऊँगा मैं। अभी कोई बाइक ही नहीं दिख रही। अभी टैक्सी थी लेकिन टैक्सी से जाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मुझे उसको बचा के आना लाना भी पड़ेगा। एक सेकंड, सामने बाइक है, ले लो भाई बाइक। फिर बहुत सही, अब आएगा मजा। अरे यार रोकनी पड़ गई गाइस, क्योंकि सामने ट्रैफिक था, वरना ठुकते और इतना गंदा ठुकते कि मर भी सकते थे। फिलहाल हम बस एक सेकंड, जिमी की फिर से कॉल आ रही है। तो ये बोल रहा है कि भैया जब आओ तुम तो देख के आना कि भैया कोई भी हमारे पीछे ना हो। और ये हमसे बोल रहा है कि भैया वो तुम्हें मारेंगे नहीं प्लीज, तो आके उन बंदों को मारना मत, बस मेरे को बचा लेना, उनको धमकी वमकी दे देना, लेकिन मारना मत। मतलब देख रही हो हमारा बाप इतना खतरनाक है, मतलब कि जिमी के लिए, जिमी के पर्सपेक्टिव से बचा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उसके परसेप्शन में जो कि सच भी है कि उसका बाप यानी कि हम इतने खतरनाक हैं कि उसने सीधे बोल दिया कि भैया आ रहे हो मारना मत, बस बचा लो। तो ये बेसिकली कोई सेलिब्रिटी होगा और वो बोल रहा है कि भैया सोशल मीडिया मेरी लाइफ है, लेकिन ये बहुत ही गंदे गंदे मैसेज करने लगा, अटेंशन सीकर बनने लगा, और ये बहुत ही गलत वे में जा रहा था कि इन्होंने उठवा लिया। और आप देख सकते हो किडनैप कर लिया ये रे वो बंदे। तो मारना नहीं है तो टायर पंचर कर दो, ये अब यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अरे तो इतने में ही भाग गए, इतने में डर गए। तो ठीक है जिमी को हमें ले जाना है, अब कार से ही ले जाना है, फिर तो टैक्सी से आ सकते थे। एक सेकंड, अगर ये बाहर निकल जाए तो बाइक से चलें। ओके बाहर आ गए, तो ठीक है अब हम बाइक से जा सकते हैं, वरना कार चलानी पड़ती यार। और गाइस क्योंकि हम बहुत दूर हैं इसलिए शॉर्टकट से जाएंगे। तो बेसिकली माइकल अपनी तारीफ कर रहा है। देखो जिमी ने ये पूछा कि भैया क्या हम बच गए अभी, तो माइकल बोलता है कि भैया उसको लग रहा था कि तुम एक फैट हो, फैटी बच्चे हो और कुछ नहीं हो तुम, लेकिन अब उसको लगता है कि तुम फैटी बच्चे हो और कुछ नहीं हो लेकिन एक बैडएस डैड के साथ, जो कि बात सच है। जिमी कुछ भी नहीं है। देखो शॉर्टकट कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। अगर गाइस आपको शॉर्टकट मेरा पसंद आ रहा है तो इसी बात पर लाइक ठोक दो यार, 30 लाइक्स कर दो, कर दो यार, कर दो। हो सकता है अगला एपिसोड अंत हो जीटीए का, कुछ भी हो सकता है। वैसे जैसे जैसे मिशन आ रहे हैं मुझे लगता नहीं कि इस एपिसोड में यूनियन डिपॉजिटरी की चोरी होने वाली है। अगले एपिसोड में भी हो सकती है यूनियन डिपॉजिटरी की चोरी। तो बेसिकली ये जो है बता रहा है कि इसने ऐसा क्या करा था, इसने माइकल को बता रहा है कि मैंने इसका बच्चा हुआ होगा, उसने बच्चे के बारे में बहुत ही किसी भी हरकतें करी, बहुत ही गंदा गंदा लिखने लगा उसके बारे में कि इससे सुंदर तो ऐसा वैसा मैं लगता हूँ वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली कोई भी चिढ़ेगा, लेकिन उसने तो इसको किडनैप ही कर लिया। थैंक गॉड कि इसका बाप माइकल है। The troll is back in his lair.
तो बेसिकली हम इसको शायद ओके ठीक है होटल छोड़ने आए हैं, ऑब्वियसली घर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अभी बाहर रह रहे हैं मेरी वेदर के चक्कर में। तो गाइस चलते हैं अभी, ये जा रहा है देख रहे हैं ना, जा ही रहा है ना, कभी भंगेड़ी की भांग भांग फूकने लगे। मजाक कर रहा था वैसे गाइस, मजाक की बात खत्म, अब मिशन हो चुका है पास, तो अभी करना क्या है समझ नहीं आ रहा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कार चुरा ली थी तगड़ी सी, कोई सेंस नहीं बनता, मिशन मिल नहीं रहा था तो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ चेंज। वैसे कार मस्त है ना, बस दिखानी थी सोचा दिखा दूँ क्योंकि रख तो मैं भी नहीं रहा हूँ अपने पास, सीधे कैरेक्टर चेंज करा जाए, फ्रैंकलिन बन लिया जाए और देखते हैं कि भैया और क्या क्या बचता है मिशन के लिए करने के लिए। लेट्स सी, ओके ठीक है तो अपने घर में ही है बंदा, मजे मार रहा है, बहुत सही। लेट्स सी हमारे पास कोई अगर कोई मिशन हो तो, क्योंकि अगर मिशन नहीं है तो बात बेकार हो जाएगी, कुछ तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि अभी कोई मिशन मेरे को दिख ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स बाइक ज्यादा बेटर है, लेकिन कोई मिशन आ नहीं रहा गाइस। तो बहुत देर मैं घूमता रहा गाइस और मुझे टैक्सी मिली, मैं रुका और ऊपर मैसेज देखो, ये बोल रहा है कि अपनी ईमेल चेक करो, पता नहीं मेरे से मिस कैसे हो गया ये। तो ईमेल चेक करने के बाद हमें लोकेशन पता चलेगी और फिर हमारा काम होगा। कॉन्टेक्ट्स में तो नहीं होगा ईमेल की तरह, ठीक है पहले इन्हीं को देख लें। यार मैंने गलती से कॉल कर दी, अरे शिट यार, चलो अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब ईमेल चेक कर लेते हैं, थोड़े से पैसे भी कट गए। तो गाइज ये रही कार लोकेशन की, ओके तो बेसिकली जो कई सारी कार हमें चुरानी है, आप देख सकते हो कार की फोटो थी उसके नीचे मैप है, तो हमें कई सारी कार चुरानी है। ऑब्वियसली मैं कार चुराते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारी कार थे, लेकिन एक दिखा दूंगा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर कार के नीचे एक मैप है तो मुझे अपने मैप में ढूंढना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, फिर वो कार ढूंढनी पड़ेगी और उसको गैराज में रख के आना पड़ेगा गाइज। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस ताकि हम कई सारी कार जो हैं वो लूट सके। तो यहाँ पे मेरे को एक ये आई गेस लैम्बोर्गिनी है, और क्योंकि वो मॉडर्न कार्स थी, विंटेज कार्स थी, मसल कार्स थी, और ये मसल कार नहीं है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगी तो ये वो कार नहीं हो सकती। और आप देख सकते हो मैप में भी कुछ बन के नहीं आ रहा, क्योंकि लोकेशन बतानी चाहिए ना कि भैया जाना किधर है। और कार भी देखो फोटो में कुछ ऐसी दिख रही है, और फरारी नहीं सॉरी लैम्बोर्गिनी नहीं होती, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को, या फिर किधर होगी, ऊपर ही होगी आई गेस। एक सेकंड, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना लैम्बोर्गिनी से ही चला जाऊँ, लैम्बोर्गिनी से ढूंढते हैं ना कार्ड्स को, किस्मत थी लैम्बोर्गिनी मिल गई, लेकिन चाहिए नहीं। अब देखो इतना टाइम है नहीं, गेम हम कंप्लीट करने में है, क्योंकि हमें गेम कंप्लीट करने का मोटिव है, मैं कार दिखाने का मोटिव नहीं है, तो इसलिए लैम्बोर्गिनी को वरना मैं गैराज ले जाता अपने, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो अभी देख लो गाइस आप ये लैम्बोर्गिनी यहाँ पे नहीं है, उसमें थोड़ा फोटो में थोड़ा छत टाइप सा था, तो हो सकता है कि छत पे हो जिसमें आसमान खुला हुआ होगा। ओके तो नज़ारा कुछ ऐसा ही था, देखो ये रखी बिल्कुल फोटो में भी ऐसा ही थी, बस सुबह का था वो फोटो। यार कार बहुत सही है यार, लेकिन चलो कोई नहीं, मसल कार देखो, वैसे मसल कार भी मेरे को बहुत पसंद है, मस्टैंग है कैसी, जंप मारी क्या यार, ये जंप बहुत सही लग रहा है मेरे को, जंप मारते हैं मजा आएगा, अगर फटफट भी गया तो फिर से कोई नहीं दोबारा से कर लेंगे। कार तो बस चली गई अपने को टॉप फ्लोर पे, तो ऐसी कई सारी कार लूटनी है हमें, इस वजह से हर कार का मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये लैम्बोर्गिनी के साथ करते ना और तेजी से स्पीड में आती, चलो कोई बात नहीं। ओ,
तो बेसिकली पहले हमें जाना है, हमें सीधे गैराज में नहीं जाना, पहले हमें इस बड़ी चोरी के लिए इस कार को थोड़ा मॉडिफाई कराना है, जैसा कि लेस्टर भैया के शब्द थे। तो गाइस देखो, जैसे कि अगर वो जाले फेंक दे तो टायर फटे ना, बुलेट प्रूफ करा दो, मतलब जो भी होगा वैसा कुछ हमें कराना पड़ेगा, जाके पता चलेगा। क्योंकि लिटरली आप देख सकते हो, आप तैयारी देख रहे हो, हर मिशन के लिए हम तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग, इसमें भी वही कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कितने बड़े लेवल की है। हमें इतनी सारी मसल कार चाहिए जो कि मजबूत हों, मतलब मसल कार मजबूत ही होती हैं, इसलिए हम इनको ले रहे हैं। और लिटरली बुलेट प्रूफ वगैरह सब हमें इसको बनाना होगा, इतनी बड़ी लेवल की तैयारी है। क्योंकि मैं ऐसा ही नहीं कह रहा बार बार कि GTA 5 की सबसे बड़ी चोरी होगी ये। सो मैं आपको एक कार का प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। एक्चुअली इसमें काफ़ी टाइम लगा था, फोटो देख ली मैंने, सही है, लेकिन जब वो मैप दिखाते हैं तो उस पोर्शन को ढूंढना पड़ता है कि वो छोटा सा मैप का हिस्सा जो है वो हमारे GTA के मैप में किधर फिट होता है, तो वहीं पे जाना पड़ता है और फिर कार ढूंढनी पड़ती है। लेट्स सी, तो हम आ गए हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स, बहुत सही। अब इसमें देखते हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में। पहले तो उसको ठीक करा लेता हूं मैं, क्योंकि मैंने इसकी बैंड बजा दिया। ठीक है, रिपेयर हो गया। ओके, एक सेकेंड, मैंने सिर्फ रिपेयर करा ली गाइस और मॉडिफाई नहीं कराई, और मेरे से काफी बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मोड़ के वापस लाता हूँ। ज्यादा ही बटन मैंने जल्दी दबा दिया यार, मतलब चलो कोई बात नहीं। तो उसका नाम है ब्रावादो गॉन्टलेट मसल। फिलहाल आप देख सकते हो हाइस्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने करा लिया, अब आर्मर भी लगा लो, बुलेट प्रूफ वगैरह मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें फिलहाल ये बुलेट प्रूफ वगैरह, हाइस्ट प्रिपरेशन के लिए पूरा एक दे रखा था, बस पे करना था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें करा ली लाइक बुलेट प्रूफ वगैरह। एक और वाला चेंज भी करा सकते हैं गाइज, मन करे तो मतलब। तो फिलहाल गाइज मैंने जैसा कलर वाले के साथ थोड़ा छेड़ना था वो मैंने कर लिया है। सो अभी चलते हैं। अब बेसिकली हमें अब गैराज में छोड़नी पड़ेगी अपनी कार, और फिर अगली कार लूटनी पड़ेगी। तो करीब 3-4 कार हैं या 5 कार हैं आई गेस। तो मैंने आपको जल्दी से सीन दिखा दिया, लेकिन इस सीन को बनाने में ही काफ़ी टाइम लगा था, और ये बहुत बोरिंग सा सीन है तो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता, मैं बोर नहीं करना चाह रहा आपको। एक कार जाओ ढूंढो वगैरह वगैरह, क्योंकि बस लिटरली कार लानी है। मेरे लिए ही ये सीन बार बार खेलना बहुत ही बोरिंग था, तो देखने में बोरिंग लगेगा ही ऑफकोर्स। एक सेकेंड, यहाँ पर तो खुल नहीं रहा, कहाँ खुल रहा है, अंदर होगा आई गेस, अंदर भी कुछ नहीं है। ये बात मेरे को ज़रा समझ में नहीं आई गाइज, वो शटर था वो खुला नहीं। अच्छा इस बार खुल गया, पता नहीं पहले क्या हुआ था, समझ में नहीं आ रहा गाइज। फिलहाल हमने पार्क कर दी और हमें व्हीकल को भी लीव करना है। तो अभी चल गए हम, वापस आ गए हम आखिरी वाली कार पे। तो आप देख सकते हो 3 कारें थी बेसिकली, हमने कर ली बेसिकली अरेंज, और तीनों के तीनों हो गई और मिशन हो चुका है पास। तो अब हमारी होने वाली है चोरी यूनियन डिपॉजिटरी की, काफ़ी मजा आने वाला गाइस, लेकिन अगले एपिसोड में करते हैं ताकि आपको ज़्यादा एपिसोड देखने को मिले और वो मिशन काफ़ी बड़ा चलेगा। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि GTA की सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हम देखेंगे अगले एपिसोड में। वेट करना गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और अगले लेफ्ट साइड कॉल करके कंफर्मेशन दे रहा है कि भैया हमने सारी कारें चुरा ली हैं, लेकिन हम पे कोई कार नहीं है, इसलिए मैं कार ढूंढ के अभी जा रहा हूँ स्ट्रिप क्लब। मिशन होने वाला है द बिग स्कूर, यानी कि यूनियन डिपॉजिटरी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइज़।